अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये डी स्क्वायर और 162 क्या है और डी स्क्वायर और 533 क्या है। दोस्तों, जब भी आपने स्टील की बार का वेट मालूम करना हो तो इसके लिए फार्मूला यूज़ होता है। अगर केजी पर मीटर में आपने मालूम करना है तो इसके लिए फार्मूला इस्तेमाल करेंगे डी स्क्वायर और 162। डी इसमें डायमीटर ऑफ बार है, यानी मिलीमीटर में, ठीक है। अगर आपने केजी पर फुट में स्टील का वेट मालूम करना हो तो इसका फार्मूला होता है डी स्क्वायर अवर 533। इसमें भी डी मिलीमीटर में है और ये आपको आंसर देगा केजी पर फुट में, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर डायमीटर आपका है 10 mm, ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 162, ये आपको आंसर देगा केजी पर मीटर में और इसका आंसर होगा 0.617 केजी पर मीटर, ठीक है। और अगर इसको केजी पर फुट में करना हो तो इसको 10 × 10 डिवाइड बाई 533, तो ये आपको आंसर देगा केजी पर फुट में और इसका आंसर है 0.187 केजी पर फुट, ठीक है। अब हम इन फार्मूला की डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो इन फार्मूला डेरिवेशन करने के लिए हम एक स्टील की बार लेते हैं, ठीक है, जिसका डायमीटर डी है और उसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर है, ठीक है। तो आप जानते हैं स्टील का जो डेंसिटी का फार्मूला होता है वो होता है मास डिवाइड बाई वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी है स्टील के 7850 केजी पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो वेट हमने स्टील का मालूम करना है और वॉल्यूम बार का मालूम करने का फार्मूला होता है पाई डी स्क्वायर बाई 4 × लेंथ। तो हम जहाँ पे डी स्क्वायर बाई 4 और लेंथ 1 मीटर एंटर कर देंगे, ठीक है। तो वेट हमारे बराबर आ जाएगा 7850 × 3.14128 पाई की आपने 4 से 5 डेसीमीटर तक वैल्यू लेनी है, ठीक है। जी आपके पास आंसर आ जाएगा 6164.76 डी स्क्वायर, ठीक है। दोस्तों, डी चूंकि हमने मिलीमीटर में इस्तेमाल करना है तो 1 मिलीमीटर बराबर होता है 1/1000 मीटर के, यानी 1 मीटर का 1000वां हिस्सा होता है, ठीक है। तो वेट हमारे बराबर आ जाएगा 6164.76 1/1000 का स्क्वायर, ठीक है।
तो जी आंसर आ जाएगा हमारे पास 164.76 तकसीम 1000 या तकसीम 1000 0.00616476। ठीक है, तो यहाँ पे डी स्क्वायर भी आएगा साथ। ठीक है, तो वेट बराबर आ जाएगा, अगर इस आंसर को 1 से डिवाइड करेंगे, 6146476, ये आंसर आएगा डी स्क्वायर आवर 162.21। ठीक है, और ये अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा डी स्क्वायर आवर 162 के। ठीक है, और ये आंसर देगा हमें केजी पर मीटर में। ठीक है, ठीक है, और अगर हमने इसको यूज करना है केजी पर फुट में, तो डी स्क्वायर 162.21 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 3.281। ठीक है, क्योंकि मीटर जहाँ पे बटे में है, तो मीटर एक मीटर बराबर होता है 3.21 फीट के। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपको देगा आंसर 533। तो इस तरह से हम दोनों फार्मूला की डेरिवेशन कर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।